नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ छोटी कविताएं सुनाऊंगी और कुछ बड़ी। पहले सबसे पहले आपके नाम एक कविता है। हम सब कितने लोग भी बैठे हैं विदाउट टॉकिंग अबाउट जेंडर, हम सब अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, उससे नहीं निकलना चाहते। जो कंफर्ट जोन में औरतें रहती हैं, मैंने उनको मछलियों की तरह देखा है जो एक्वेरियम में रहती हैं। मैं पहली कविता जो स्टेटस को में रह के और बहुत खुश हैं उनको सुनाती हूँ और फिर उसके बाद उसका एंटीडोट बताती हूँ। मछलियाँ एक्वेरियम के रहस्यमय हरितिमा भरे संसार में, एक्वेरियम के रहस्यमय हरितिमा भरे संसार में गुड़ुप गुड़ुप ध्वनि इधर से उधर, इधर से उधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नृत्य की तंद्रा में डोलती एक साथ, एक साथ बहुत लिप्त और एक साथ बहुत निर्लिप्त मछलियाँ, कभी हुलस कर कभी निर्विकार खाने की गोलियाँ निकलती मछलियाँ, पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होने का सुख सहती, स्वयं को हर छोटे बड़े निर्णय के अधिकार से च्युत पाती बार बार मछलियाँ, हूबहू तुम्हारी जैसी। अब इस कंफर्ट जोन जो एक्वेरियम में, उसमें सब कुछ मिल ही रहा है, सब कुछ कंफर्ट है, मगर कुछ लोग हैं जो तय करते हैं कि इस पिंजरे को, इस एक्वेरियम को तोड़ के भी बाहर निकलेंगे। ऐसी औरतों के हौसले के लिए कह रही हूँ, पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का हौसला कोई नहीं, पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का मसीहा कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक उड़ने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना, आसमां तक उड़ने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना, एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। यहाँ बहुत सी औरतें बैठी हैं जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं और बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, वैसी एक माँ मैं भी हूँ। तो उन बच्चों के नाम, फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, शाली आपके लिए, फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना, हौसला हूँ मैं तुम्हारा। अब एक लड़की जो बड़ी चंचल सी है, अचानक बड़ी होती है, दूसरे के घर जाती है, कैसे गुमसुम हो जाती है लड़की, अचानक गुमसुम हो गई, भूल गई हंसना चहकना झूम के चलना। लड़की अचानक हो गई गुमसुम, भूल गई हंसना चहकना झूम के चलना, जीवन से रोज ठन जाती उसकी, कभी जीतती कभी हारती, जीवन से रोज ठन जाती उसकी, कभी जीतती कभी हारती। लड़की की विकास यात्रा, कम हुई ऊर्जा संभावनाएं, देख रही हूँ उसका बदलना, हताश बुझी हुई प्रौढ़ा में, और समझ रही हूँ संबंध जीने और चुकने के बीच। कुछ
कुछ और तो क्यों भैया उधर फ्रेम में आओगे, पीछे कैमरा चल रहा है ना, फ्रेम में आओगे। पढ़ रही हूं। अच्छा कैमरा सामने। ओके ओके। एक वर्किंग वुमन की जद्दोजहद है ये। हर सुबह शुरू होती है जद्दोजहद पांव की अपनी ही जमीन पर। हर सुबह शुरू होती है जद्दोजहद पांव की अपने ही जमीन पर, और शाम धस जाती है दलदल में सिर से पैर तक। तभी घर लौटती है चिड़िया दाना चोच में लिए, और निढाल पड़ी हुआ महसूस करती है अपने पंखों का उगना। और आपको मैंने नाव से ट्रेक किया है, सहयात्री बन गंतव्य तक साथ चलती, सहयात्री बन गंतव्य तक साथ चलती, स्वयं कहीं नहीं पहुंचती नाव। सहयात्री बन गंतव्य तक साथ चलती, स्वयं कहीं नहीं पहुंचती नाव। औरत के ऊपर एक और है। उसे देख बार बार हर बार यूं लगा, एक जमी हुई झील है वो। लाख चाहे तो भी खुद तैर नहीं पाएगी उसमें, और कोई दूसरा भी उसमें कब डूब पाएगा। अंतिम कविता है ये। आप सबके औरत होने के ऊपर मेरा जो गर्व है उस पर है। नहीं छेड़ती औरतें भीड़ भरी बस में या राह चलते आदमी को। नहीं छेड़ती औरतें भीड़ भरी बस में या राह चलते आदमी को। न फाड़ती हैं उनके कपड़े, न करती हैं उनका बलात्कार। हो जाता है उनका प्रतिरोध खूंखार समाज के संवेद स्वर में। बस डबडबाई आँखों से देखती रहती हैं घटता हुआ अघटित, और लज्जित होती हैं अपने ही गर्भ से उपजे आदिम नर पर। जो नहीं जानता वह इतना क्रूर क्यों है। आधी दुनिया की मालिक बहुत सोचती है, थक जाती है और क्षमा कर देती है अंततः बीमार कमज़ोर आदमी को। धन्यवाद।